केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने रविवार को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को महान संत बताया और कहा कि मेरी उनसे कोई तुलना नहीं है। दरअसल उमा भारती से जब पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका स्थान ले लेंगी, तो उन्होंने कहा कि वह एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना मत करिए, मैं तो सिर्फ एक साधारण और मूर्ख किस्म की प्राणी हूँ। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनावी मैदान में है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को टक्कर दे रही हैं। इस बात का जवाब देते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि मेरी उनसे कभी बात नहीं होती, न टेलीफोन पर न ही मौखिक रूप से। मुझे संगठन जैसा आदेश देगा, मुझे वैसा ही काम करना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 10 साल से काबिज रही दिग्विजय सरकार को उखाड़ने के लिए बीजेपी ने साध्वी उमा भारती को आगे किया था। दिसंबर 2003 में आए विधानसभा चुनाव परिणामों में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी को भारी जीत मिली और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्हें 8 महीने बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया था, जिसके बाद बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।